हे एवरीबडी आम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो नीट देने वाले हर एक बच्चे के मन में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे होंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल चल रहा होगा बहुत एंग्जाइटी भी फील होती होगी जैसे जैसे टाइम आपका पास आ रहा है विच इज़ वेरी नेचुरल लेट मी टेल यू वन थिंग बच्चों की इवन दोज आर स्कोरिंग सेवन प्लस सिक्स प्लस उनको भी टेंशन होती है होती है लेकिन हाँ मैं समझती हूँ वो बच्चा जो अभी भी शायद चार स्कोर कर रहा है 350 स्कोर कर रहा है 500 स्कोर कर रहा है उसका जो टेंशन का लेवल होगा जो एंग्जाइटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी अच्छा अब टाइटल आपने देख लिया है थंबनेल भी आपने देख लिया है तो यस इस सेशन में आपको मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो सबसे पहले आप इन चैप्टर्स का रिविजन करेंगे दूसरी चीज़ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है इफ़ यू आर प्लानिंग कि हाँ मेरा इस दिन में ये 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 चैप्टर हो जाना चाहिए तो पहले आप ये वाले चैप्टर खत्म कर लेंगे अगर इनमें से कोई चैप्टर आपका पेंडिंग है सो so, ये हर एक बच्चे को कैटर करेगा वेदर यू वॉन्ट टू रिवाइज द यू नो सारे के सारे चैप्टर्स या फिर आपका कोई चैप्टर कुछ चैप्टर्स आपके मिसिंग है टेन परसेंट परसेंट जो तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे को करने तो हैं तो मैं उसका एक लिस्ट बना रही हूँ आपके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू तो अब सिंस मैं बायो पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले मैं बायो की बात करूँगी तो भाई बायोलॉजी लिखना भूल गई मैम कोई बात नहीं तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं तुम्हें बोलूंगी तुम पहले कर लो सबसे पहले कर लो वो उनमें आते हैं आपके प्लांट किंगडम तीन से पांच क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं एनिमल किंगडम तीन क्वेश्चन पक्का ही आएंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी की अगर मैं बात करूँ दोनों मिलकर हाई वेटेज के चैप्टर्स आपके बनते हैं आठ क्वेश्चन तक इनफैक्ट नौ क्वेश्चन तक भी आपके यहाँ से आ सकते हैं सेल साइकिल की बात करूँ तो फाइव टू सेवन फोटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन प्लांट ऑल्सो थ्री टू फोर क्योंकि अब जो आपका फोटो ये प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट है उसमें दो चैप्टर उड़ा दिए गए हैं हटा दिए गए हैं तो अब उनके मार्क्स कहीं ना कहीं आपके यू नो फिट होंगे सिमिलरली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू से ही एक हाई वेटेज चैप्टर रहा है प्लांट फिजियोलॉजी का आप क्योंकि वो दो चैप्टर चले गए तो इनके नंबर आपस में बांटे जाएंगे तो येस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लोकोमोशन से आप चार क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से तीन से चार क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सक्रीशन तीन बॉडी फीड दो से तीन एंड केमिकल कंट्रोल आपके तीन क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड ह्यूमन की बात करूँ दोनों चैप्टर अगर मैंने ले लिए तो आठ से नौ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूँ तो तीन एंड जब कोई बात कर रहा है मिनिमम चैप्टर्स जिनसे आपका स्कोर बने ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कैसे भूल सकते हैं जेनेटिक्स की जेनेटिक्स की बात कैसे भूल सकते हैं हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन दोनों मिला के एक्चुअली दोनों ने तीनों चैप्टर मिला के आपके 16 से 18 मार्क्स तक जा सकते हैं देर हैव बीन सम ईयर्स इन विच एक चैप्टर से मोलिकुलर बेसिस से दस तक क्वेश्चन आए हैं इमेजिन और जो आपका प्रिंसिपल वाला चैप्टर उसे आठ तक क्वेश्चन भी आए हैं इवोल्यूशन से पांच तक क्वेश्चन भी आए तो दिस इज दो मस्ट ये तो आपका हो जाना चाहिए डन बायोटेक वेरी इंपॉर्टेंट दस क्वेश्चन तक आ सकते हैं और अगर मैं बात करूं इकोलॉजी की तो इकोलॉजी वेरी हाई वेटेज यूनिट लेकिन उसमें बायोडावर्सिटी में तीन से चार आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एक्चुअली आई शुड ऑल्सो एड हियर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ठीक है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे ने, आप तो आ, इस बार तो आप यहाँ पे पांच क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे तीन क्वेश्चन आते हैं बायोडाइवर्सिटी थे मैंने चार इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस बार यहाँ से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक चैप्टर हटा दिया गया दैट इज वाई अब उस चैप्टर के मार्क्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे इकोलॉजी में राइट सो आर द चैप्टर्स जो आपको बायो के मस्ट हैं कि भाई जो तैयार कर लेने चाहिए अगर रिवीजन करना है तो पहले इन्हीं का करना है अगर इनमें से कोई चैप्टर रहता है तो पहले यही करना है और भी जो चैप्टर्स हैं वो भी अगर रह रहे हैं कोई बात नहीं लेकिन अगर इनमें से रहता है ना कोई तो सबसे पहले आप यही कवर करेंगे सो दिस वॉज अबाउट बायोलॉजी तो अच्छा बायोलॉजी की जब मैं बात करी तो बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बताती हूँ कि आज शाम को नौ बजे मैं ले रही हूँ एन के जो ऑफिशियल सैंपल पेपर्स हैं अभी कुछ दिन पहले बहुत सारा हंगामा हुआ था सैम्पल पेपर्स को लेके तो बहुत सारे लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न राय दी थी अब मैं इस पर एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आ, ये जो सैंपल पेपर्स हैं ना ये एन ने खुद रिलीज़ करे थे और एक नहीं है बहुत सारे हैं मेरे पास सारे पड़े हुए हैं यस yes, अब आपका सिलेबस उसके साथ मैच नहीं खाता लेकिन बच्चे उन सारे क्वेश्चंस में से अगर मैं टॉप 100 क्वेश्चंस निकाल के तुम्हें दे दूं तुम्हारा टाइम तुम तो बहुत टाइम लगा दोगे ये करते करते कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन ये वाला जो पेपर दिया हुआ इसमें इतने क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस हैं ये नहीं है तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं आई एम गोइंग टू डू दैट फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू ब्रिंग आउट दोज बेस्ट क्वेश्चन इनफैक्ट मैं उनको ट्विस्ट टर्न करके भी ले आऊंगी तुम्हें और वो बेस्ट 100 हंड्रेड क्वेश्चन जो कि एन ने खुद रिकमेंड करे थे वो हम करेंगे वो हम लगाएंगे आज रात को नौ बजे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी पिन करवा दूंगी कॉमेंट में मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम लाइक्स चले जाए मैक्सिमम जनता आके देखे मैक्सिमम बच्चा आके देखे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड सेशन मजा आएगा और कल कल सुबह नौ बजे मैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम दोनों कराने वाली हूँ विद सुपर ट्रिक्स तुम्हें पता है मेरी ट्रिक्स एकदम ऑसम awesome होती है अमेजिंग होती है दोनों करेंगे हम दोनों करेंगे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज बच्चे हमारे टीम का थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था उसकी वजह से मैं आपके सेशंस कल नहीं लगा पाई तो वेरी सॉरी फॉर दैट बट मेरी गलती नहीं थी वो तीन बजे हमारा मॉक टेस्ट होता है आन अकेडमी के ऐप पर वो भी आपको मिल जाएगा एंड नौ बजे फिर से मैं आपके प्रैक्टिस सेशन लूंगी किसका प्लांट किंगडम का ट्वेल्थ को ट्वेल्थ को ठीक है कल तो हम कर रहे हैं एन के जो सैंपल पेपर्स uh, से क्वेश्चंस निकाल के मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं तो ये हम करेंगे विच इज अ पार्ट ऑफ माय टेन थाउजेंड क्वेश्चन सीरीज यस आई डोंट थिंक कोई है ऐसा जो टेन थाउजेंड क्वेश्चन करवा रहा है क्योंकि उसको करवाने बड़ी हिम्मत चाहिए मैं करवा रही हूँ मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं एंड बाई द यू नो फोर्थ और थर्ड और फोर्थ तक हमारे सारे टेन थाउजेंड क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे शायद एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी बच्चे अभी केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी आपको बताती हूँ लेकिन बिफोर वी मूव टू दैट एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस टाइम रिविजन के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए टू पेज नोट्स ठीक है टू पेज नोट्स अब ये टू पेज नोट्स मेरे जैसे कि ये देखो कहाँ चला गया वेयर आर दिस ये देखो जैसे कि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दीस आर द टू पेज नोट्स ठीक है इस तरह के बहुत सारे बहुत सारे क्या हर चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम t.me/doctor gargi सिंह तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना यहीं पे आपको हर एक चीज मिलने वाली है यहीं पे आपको हर एक मॉक टेस्ट का जो फ्री मॉक टेस्ट है आने अकेडमी की प्लेटफॉर्म पर उनका भी लिंक मिलने वाला है तो दिस इज मस्ट दिस इज मस्ट फॉर एवरीबडी बिकॉज दीज टू पेज नोट्स आर गेम चेंजिंग गेम चेंजिंग एंड ऑल्सो डू लेट मी नो कि मेरे पास कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कॉन्टेंट है डू यू वॉन्ट कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ वो भी मेरे पास छोटे 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 कुछ यू नो फॉर्मुला शीट्स वगैरह हैं सो इफ यू वॉन्ट डू लेट मी नो ठीक है जी चलो अब केमिस्ट्री का भी बच्चे इस तरह से पॉज करके आप देख सकते हैं दिस इज फॉर केमिस्ट्री ठीक है दिस इज फॉर केमिस्ट्री एंड दिस इज फॉर फिजिक्स ये आपका फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन uh, है अगर आपको देखना है कि भाई इतने कम uh, मतलब इत, ये चैप्टर्स मतलब आपको पहले रिवाइज करने हैं या फिर अगर इनमें से कोई रहता है तो उसको भी कर लीजिएगा ठीक है उसको भी कर लीजिएगा तो पॉज करके आप देख सकते हैं नाउ एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी सम किड्स जो कि ये Uh, जो वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हमें बस जानना है कि कौन से चैप्टर्स है हमारी तैयारी मैम हम उस लेवल की नहीं है और हम सिर्फ नीट का एग्ज़ाम देखने के लिए दे रहे हैं कि uh, हमारा एग्ज़ाम कैसा जाता है क्योंकि हम तो एम कर रहे हैं नीट 2025 पे तो उन बच्चों के लिए स्पेशली स्पेशली फॉर दोज किड्स स्पेशली फॉर दोज किड्स आई हैव आई हैव दिस मेरा बैच आ रहा है बच्चे <coughs> 25 के लिए भी आ रहा है 26 के लिए भी आ रहा है तो मेरा बैच आ रहा है एंड दिस बैच दिस बैच इज जस्ट फॉर इज जस्ट फॉर फाइव थाउजेंड पांच हजार का ये बैच है अब इस बैच मतलब सिर्फ एक बैच नहीं बहुत सारे जितने भी सारे बैच आ रहे हैं हमारे सारे बैच वेदर इट इज फॉर ट्वेंटी सिक्स वेदर इट इज फॉर ट्वेंटी फाइव वेदर इट इज ड्रॉपर्स बैच सारे बैच और जो आगे आएंगे सब के सब आप एक्सेस कर सकते हैं इसी प्राइस पे पांच हजार से सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड गार्गी लगाएंगे इसका लिंक भी मैं आपको कॉमेंट्स में डाल दूंगी तो मेरा वन ऑन वन मेंटोरशिप भी मिलेगा आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे पीसीबी के आपको मेरा रैंकर्स ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा पीसीबी का और ये सारा का सारा जो है ना आपको क्या करना है मेरी ईमेल आईडी पे भेज देना है दिस इज माय ईमेल आईडी आपको एक मेल आता है आन अकेडमी की तरफ से कि अच्छा जी आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया ये कोड लगाया आप वो मेल ही मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और मैं आपको अपने मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर लूंगी नाउ लिसन टू मी एक चीज़ होती है कि भाई <coughs> मेरे मुझे फ़िज़िक्स इससे पढ़नी है मुझे केमिस्ट्री इससे पढ़नी है मुझे बायो इससे पढ़नी है मेरे जो फेवरेट एडुकेटर हैं होता है ना आपके पास आपने देखा होगा बहुत सारे आप देखते होंगे बैच आते हैं ऑनलाइन बहुत सारे आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे कि यार मेरे को जो बायो में चाहिए था वो यहाँ नहीं है वो उस वाले बैच में है मेरे को जो केमिस्ट्री में चाहिए था वो यहाँ नहीं है वो तीसरे बैच में है ये प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी आपको बायो मुझसे पढ़नी है मुझसे पढ़ो आपको फिजिक्स किसी और टीचर से पढ़नी है आप उससे पढ़िएगा क्योंकि सबके बैचेस है सबके बैचेस है एंड आपको केमिस्ट्री किसी और से पढ़नी है तो आप उससे पढ़िएगा यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनी बैच आपको किसी बैच के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी और ना ही हम आपको ये बोलने वाले आके कि तुम यहाँ इस बैच में क्या करो इट इज़ किड्स चॉइस इट इज स्टूडेंट्स चॉइस ये बच्चे की चॉइस है कि वो किस बैच में जाके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाला है तो आपको यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस uh, नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि भाई तुमने तो सिर्फ यही वाला बैच में जाना है तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बता रही हूँ पाँच हज़ार में सारे बैचेस का एक्सेस है और जो आगे आने वाले बैचेस है उसका भी एक्सेस है और एक और बढ़िया सी बात मैं तुम्हें बता दूँ जी दिस वन कि ये तो मैंने प्लस का प्राइस बताया आइकॉनिक का प्राइस मैं आपको बताती हूँ आइकॉनिक आइकॉनिक में क्या फर्क है आइकॉनिक में आपको सारा स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचता है बीट क्वेश्चन बीट नोट्स मॉड्यूल्स मोड्यूल्स फॉर्मुलाशीट सब कुछ आपके घर तक पहुंचेगा पर्सनल मेंटोर आपको मिल जाता है 24/7 डाउट सॉल्विंग आपका रहता है एंड यू गेट एक्सेस टू ऑफलाइन लेक्चर्स आल्सो दिस इज नॉट अवेलेबल इन प्लस प्लस में ये अवेलेबल नहीं है बट ये अवेलेबल है आईकॉनिक में जो अभी आपको पंद्रह हजार का मिल रहा है और फोर्टींथ के बाद फोर्टींथ के बाद यही आइकॉनिक 50 साठ हजार का हो जाएगा सो दिस इज द लास्ट टाइम जब आपको इस प्राइस पॉइंट पे सारे बैचेस मिल रहे हैं अगर आपने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया तो सारे बैचेस का आपका आइकॉनिक का हो जाएगा अगर आपने प्लस का लिया तो सारे बैचेस का प्लस का हो जाएगा सो दिस इज स्पेशली फॉर दो नीट सिर्फ अभी देखने के लिए दे रहे हैं कि देखते हैं कैसा होता है उसमें कोई बुराई नहीं है यार देवर बिजी विद बोर्ड इट इज ओके बट यस अगर आप चाहते हो कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको सारी की सारी चीजें मिलता है दिस इज द टाइम बच्चों और कोड आपको पता है दिस इज द कोड ठीक है दिस इज द कोड राइट क्योंकि मेरा ऐसे नहीं है ऐसे तो बैच मेरा एट्थ मे को भी आएगा एट्थ मे को भी मेरा बैच आएगा ठीक है फॉर 2025 आप वहां पे भी आ सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लें तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपका जुलाई तक रहने वाला है ये साल का जुलाई नहीं अगले साल का जुलाई तक रहने वाला ठीक है तो इट डजेंट मैटर अगर आप अभी भी ले लोगे देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद मी ऑन एट्थ ठीक है ना अभी मन है तो अभी भी शुरू कर सकते हो लेकिन आई अंडरस्टैंड कि अभी आप थोड़ा सा फोकस करना चाहते हो कि नहीं हम एक बार नीट दे देते हैं है, मैम फिर उसके बाद पूरा मन लगा के वहाँ जाएंगे बट दिस इज द टाइम जब सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए ठीक है बच्चों सो दिस इज अबाउट दिस एंड यस इन इन सेशंस में ज़रूर मिलना है ये गेम चेंजिंग सेशंस हैं आपके इन सेशन में जरूर मिला वैसे तो मैंने आपको आ, कल ही एक पूरा का पूरा अपना प्लानर भी दे दिया था कि ये इसके बाद देखो जैसे प्लांट किंगडम है इसके बाद मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी उसके बाद होगा आपका एनिमल टिश्यू कॉकरोच फ्रॉग एंड देन लास्ट में अंत में हम करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी वन शॉट में ठीक है बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना यार कॉमेंट में जरूर बताना कि ये मैम यस मैम आई एम डॉक्टर दिस एंड आई विल विन बिकॉज आई नो यू विल ठीक है बच्चों चलो बाय बाय टेक केयर